नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 21। हमारे खास बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरें विस्तार से। शुद्ध आहार मिलावट परिवार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं चिकित्सा विभाग की टीम ने तारानगर में बस स्टैंड और मुख्य बाजार में गोलगप्पे, मिठाई की दुकान और मसाले की दुकान से नमूने संग्रहित किए। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि काफी दिनों से शिकायत आ रही थी कि गोलगप्पे के पानी में स्वाद बढ़ाने के लिए सेहत के लिए हानिकारक केमिकल मिलाए जा रहे हैं। इसके सत्यापन के लिए सोमवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूल सिंह बाजिया ने मैं टीम के बस स्टैंड पर स्थित गोलगप्पे के ठेलों से मिठाई की और मसाले की दुकान के सैंपल लिए। सभी सैंपलों को जांच के लिए जयपुर खाद्य प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान व्यापारी को खाद्य वस्तुओं को ढककर स्वच्छ रखने के लिए पाबंद किया गया तथा खाद्य लाइसेंस को प्रतिष्ठान में प्रदर्शित करने की हिदायत दी गई। टीम के साथ डीएसपी मीनाक्षी स्वयं भी मैं जाब्ता साथ रही। वहीं कार्रवाई की खबर मिलते ही बाजार में हड़कंप मच गया। कुछ व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए तथा कार्रवाई को रुकवाने के लिए कुछ रसूखदार व्यापारियों ने राजनीतिक दबाव डलवाने की भी कोशिश की। बार बार शिकायतें प्राप्त हो रही थी, तो एक सर्विलेंस टीम है जो शुरू से बुलाई गई और इसमें जो ठेले वाले पुचके वाले जो हैं इनमें तो इनके पानी में तेजाब मिलाते हैं और ये शिकायतें थी, तो इनके समझाइश की गई है और इनको सैंपल भी लिया गया। बाकी का जैसे खाद्य सामग्री का एक दो सैंपल और लिए गए और ये बाकायदा टीम के द्वारा और ये मैडम जो अपने मीनाक्षी जी उनके सुपरविजन में उनके साथ लेकर के काम किया गया और ये जागरूकता चलाने के लिए और जनता के हित में किया गया।